बुध ग्रह अब 14 जून तक देंगे बंपर लाभ। शुक्र की राशि में आते ही बुध ग्रह हो जाएंगे और भी पावरफुल। बुध ग्रह को कहा जाता है ग्रहों का राजकुमार। बुध ग्रह को हमारी बुद्धि विवेक वाणी का प्रतीक भी माना जाता है और बिजनेस का कारक ग्रह भी माना जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूँ गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। बुध ग्रह अब धन की राशि में आ रहे हैं और 31 मई को आ रहे हैं। 14 दिन तक बुध ग्रह का पूरा जलवा देखने को मिलेगा। कई राशियों को बुध ग्रह बंपर लाभ देने वाले हैं, खुशियां देने वाले हैं, दोनों हाथों से खजाना लुटाने वाले हैं। दोस्तों, बुध ग्रह 31 मई को शुक्र की वृषभ राशि में आ रहे हैं। बुध और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं। जब भी एक साथ आते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बना देते हैं। 31 मई 2024 को दोपहर 12:02 पर बुध ग्रह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं। बुध यहां आते ही बहुत पावरफुल हो जाएंगे। ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें हमारी बुद्धि विवेक वाणी का प्रतीक माना जाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का प्रतीक माना जाता है, हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रतीक माना जाता है, इन्हें हमारे बिजनेस का प्रतीक माना जाता है। बुध से प्रभावित लोग मानसिक रूप से बहुत फर्टाइल होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, गजब की तर्क शक्ति रखते हैं। ऐसे लोग अपनी वाणी से, अपनी तर्क शक्ति से, अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, वो लोग अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, अच्छे जज होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। बुध ग्रह को बिजनेस का कारक भी माना जाता है। 31 मई को बुध के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ होने वाला है। नौकरी कारोबार में तरक्की के सुनहरे मौके मिलने वाले हैं। ऐसी भाग्यशाली राशियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है, जिसमें बुध ग्रह गोचर करने वाले हैं और 14 जून तक रहने वाले हैं। शुक्र की राशि में बुध ग्रह के गोचर से वृषभ राशि वालों को जबरदस्त धन लाभ होगा। लॉटरी या शेयर मार्केट से भी काफी मुनाफा हो सकता है। मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, नए कामों में आपको सफलता मिलेगी और कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। वृषभ राशि वालों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, नए लोगों से दोस्ती होगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। दूसरी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है, बुध की यह उच्च राशि है। कन्या राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन बेहद शानदार रहने वाला है। जो हायर स्टडी के लिए विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, उनकी मुराद पूरी होगी, पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएंगे, आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ रहेगा, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, इनकम के नए नए सोर्स बनेंगे, व्यापारियों को धन लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, शेयर बाजार सट्टा और लॉटरी में आपको अच्छा धन लाभ होगा, व्यापारियों को शुभ समाचार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए समय आपकी फेवर में रहने वाला है। तीसरी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा, कैरियर भी बढ़िया रहेगा, घर बदलने या नए घर के निर्माण की सोच रहे हैं, इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, कार्यक्षेत्र में आपके आपके पावर्स बढ़ेंगे, आपके अधिकारों में इजाफा होगा, आपका रुतबा भी बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा, घर का माहौल काफी पॉजिटिव रहेगा, जो कार्य पेंडिंग है वो सिरे चढ़ जाएंगे। चौथी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वाले अपने गोल अचीव करेंगे, फोकस करेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस से जुड़े लोगों के लिए समय काफी लाभदायक रहने वाला है, पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, आपके पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, रोमांस के मौके मिलेंगे और विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जो स्टूडेंट लंबे समय से हायर स्टडी के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे थे, उनकी मुराद पूरी होगी, आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ या करीबी दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो बहुत सुखद रहेगी, बहुत यादगार रहेगी, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के योग भी आपके बनेंगे और नया वाहन भी आप ले सकते हैं,
तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूँ गुरमीत बेदी।